तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो तुम्हें पता है उसके कौन कौन आदमी है? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे तो मुझे कैसे पता कि वो हम पर नजर रख रहे हैं? चाचा जी, वो क्या है, जब हाथी भाई स्विमिंग पूल में गिर गए थे ना, तो उनकी दाढ़ी मूछ निकल गई थी। ये बात मेन बॉस को पता चल गई थी। इसका मतलब है कोई तो इस रिसोर्ट में है जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अरे इसका मतलब तो हमारे ऊपर भी कोई नजर रख रहा होगा। हाँ तो पोपटलाल, तुम्हें किसी पे डाउट है कौन हमारे ऊपर नजर रख रहा है? क्या है, अगर हमको पता चले तो हम उसके ऊपर नजर रख सकते हैं ना? यस यस यस, याद आया, जब हाथी भाई पूल में गिरे थे तब वो वेटर मुकेश वहीं पर था। अरे सर, वो डॉक्टर थे ना जो आपके साथ चेक इन किए थे, वो गिर गए थे। हाँ, मुकेश हो सकता है, वो बार बार रिसोर्ट में मिलता रहता है। गुड आफ्टरनून सर, ऑल ओके? ठीक है ठीक है। हैव अ गुड डे। वेलकम वेलकम। अरे तुम, गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, आम लिया और आ गया। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर। थैंक यू। ओला वो मेरा है। आप कुछ लेंगे सर? लेंगे ना, तुम्हारे पास वो मैंगो जूस है? हाँ है ना। नहीं नहीं, मैंगो जूस रहने दो, कल ही पिया था। और क्या है ना, बहुत मीठा होता है। तुम्हारे पास वो अमरूद का जूस है? हाँ हाँ, वो भी है। ए, नहीं वो रहने दो। क्या है ना, उसमें वो जो बीज रहता है ना, वो बीज बीच में आता है तो कड़वा लगता है। बेर है, बेर, बेर का जूस, वो छोटे छोटे बेर आता है ना, उसका जूस है। बेर का जूस? नहीं सर, वो तो नहीं है। नहीं तो ढूंढ के लाओ भाई, हमको वही पीना है आज। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ। करो। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, एंजॉयिंग इन द पूल राइट? मजा आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इस रिसोर्ट में पहली बार मिले और इस तरह घुल मिल गए हो जैसे एक दूसरे को सालों से पहचानते हो। बराबर है, हम इस रिसोर्ट में ही पहली बार मिले हैं, लेकिन क्या है, इतनी दोस्ती हो गई है कि अब ये दोस्ती रिश्ते में बदलने वाली है। ये मेरी बेटी है ना चिंतामणि, इसका रिश्ता इनके ये बागेश्वर के साथ करने की बात चल रही है। ये कब हुआ? नाटक नाटक। अरे वाह, क्या बात है, आपको हमारी ओर से बेस्ट विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अरे आभार। ओके, एंजॉय एंजॉय। वो पोपटलाल इस पे भी नजर रखने जैसी है, ये भी रिजॉर्ट में बार बार सामने से मिलने आ जाती है। हेलो हेलो, कैसे रही आपकी बोटिंग? आपको कैसे पता चला हम बोटिंग करने गए थे? सीसीटीवी कैमरे से देख रहे थे आप हमको। एक्चुअली मैं ब्रिज से क्रॉस कर रही थी, तभी आप सबको बोटिंग करते देखा। हेलो सर। हेलो 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 सर। हेलो हेलो। नहीं, ये भी वो काले बाजारी की खबरी तो नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी है। हाँ, ये हमेशा सबकी हेल्प करती है और सबका ख्याल भी रखती है। तो फिर और कौन हो सकता है? और पोपट भाई, वो कुंवारी लड़की कौन? अरे वो रिसेप्शनिस्ट संजना। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो, वो कैसे हो सकती है, वो तो कुंवारी है। अरे वो कुंवारी है तो क्या गलत काम नहीं कर सकती?
तू मिशन पे है या शादी कर रहे हैं? अच्छा पोपटलाल अभी ये बताओ कि करना क्या है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी हेलो पापा क्या पापा किसका पापा मेरे को पापा नहीं बोलने का सर मैं पूछने आया था कि आप लोग ठीक है ना एंजॉय कर रहे हैं ना आपके लिए कुछ भिजवा दूं मॉकटेल वगैरह नहीं नहीं हमने ऑर्डर दे दिया कुछ नहीं चाहिए चलो वो सर वो मेरे बारे में सोचना हाँ इनसे मिलो ये लड़के के साथ चिंतामणि के रिश्ते की बात हो रही है वैसे मैं भी ठीक था मैनेजर की नौकरी है अच्छी सैलरी है ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं ठीक है अभी डिस्टर्ब मत करो हा? इस मैनेजर पर मुझे सबसे ज्यादा डाउट है मैंने एक बात नोट की है हमें चार लोगों को चेक करना है कौन कौन एक तो ये मैनेजर दूसरी वो दीप्ति तीसरा ये वेटर और चौथी वो रिसेप्शनिस्ट संजना अरे संजना का नाम क्यों ले रहे हो भाई तो किसी से बात भी नहीं करती बेचारी कुंवारी है पूरा दिन रिसेप्शन पे खड़ी रहती है वो कहां हमारे पीछे पीछे आती है हाँ उल्टा आप उनके पीछे पीछे जाते हो ए, सुन भारती ये वक्त है ये सब बातें करने का हाँ हाँ बेटा वो सब छोड़ 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 एक काम करते हैं मैं और बागा जाके उस दीप्ति से बात करते हैं मैं और भारती मुकेश के पास जाते हैं वैसे भी वो मुझे ज्योति समझता है तो बच्चा मैनेजर और मैं तो मैं मैनेजर को नहीं पटता हूँ सबको चेक करने के बाद हम गार्डन रेस्टोरेंट में मिलेंगे और आगे का प्लान बनाएंगे देखते हैं किसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है तो फिर से शुरू करते हैं मिशन काला कौवा वो वेटर कहीं नहीं दिख रहा है ऐसे तो कभी भी कहीं भी आ जाता है अभी ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है अरे पोपट भाई हमारी एक गलती हो गई क्या वो वेटर हमेशा पीछे पीछे होता है और हम उसे आगे आगे ढूंढ रहे हैं हाँ हमें उसे पीछे ढूंढना चाहिए पीछे कैसे ढूंढते हैं ऐसे आप आगे चलिए मैं पीछे पीछे ढूंढती हूँ अरे रुको अभी हम वहीं से आए ना वहां दिखा वो नहीं क्या करें एक काम करते रेस्टोरेंट में जाके देखते वहीं मिलेगा वो चलो तो कहीं नहीं दिख रहा है वहां जाके देखते हेलो सर अरे बेटा ऐसे पीछे से आवाज नहीं लगाने का मैं डर गया था तो क्या है ना उम्र हो गई है दिल कमजोर है मेरा दिल बैठ गया और मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा भविष्य कौन बताएगा सॉरी सॉरी सर मैं अब पीछे से कभी आवाज नहीं दूंगा जब भी मिलूंगा सामने से आके मिलूंगा वैसे हम तुमको ही ढूंढ रहे थे सर? तुमने बोला था ना तुम्हारा भविष्य देखना है तो आज मुहूर्त बहुत अच्छा है मैंने सोचा देख लेते हैं भविष्य हाँ सर बताइए ना मैं अपना भविष्य जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ बताता हूँ पहले खाने का एक आइटम लेके आओ हाँ बताइए ना क्या लाऊं मस्त कुछ पनीर का स्टार्टर लेके आ जाओ ये खाने का आइटम खाने के लिए नहीं मंगवा रहा हूँ तो मेरी ज्योतिष विद्या में कितनी ताकत है ये दिखाने के लिए तुम जो आइटम लेके आएगा ना उसको ढक के लाना मैं बिना देखे बता देगा उसमें क्या है वाह सर
मजा आ जाएगा। जाओ जाओ फटाफट लेके आओ। हाँ हाँ सर, आप लोग बैठे, मैं अभी लेके आता हूँ। आओ बेटी चिंतामणि। वहाँ पोपट भाई, आप पत्रकार के साथ साथ ज्योतिष भी हैं? अरे नहीं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो क्या लेके आने वाले? अरे इतनी जल्दी होटल में एक ही आइटम बन सकता है, सैंडविच। देखना वो सैंडविच ही लेकर आएगा। पर ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सैंडविच की जगह पे जो रेडी हो वही लेकर आ जाए। कभी कभी मेरा भी कॉन्फिडेंस हिला देती हूँ। आ रहा है, आ रहा है। ले लीजिए सर, मैं ले आया। अब बताइए इसमें क्या है। पहले इसे इधर रखो। ये एक मिनट, ये तुम जो खाने का आइटम लेकर आए हो इसका नाम स से शुरू होता है, सैंडविच। वाह 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 सर, मान गया, सैंडविच ही है। मैं गलत हो ही नहीं सकता। आप बहुत बड़े ज्योतिष हैं सर, बहुत बड़े ज्योतिष हैं। नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ पापा, ये कितनी मेहनत करता है, कितना हमारा ध्यान रखता है, भविष्य बताइए ना इसका। हाँ सर बताइए ना मेरा भविष्य। अरे हाथ छोड़ो, तुम्हारा माथा देख के मैं बता सकता हूँ तुम क्या हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। प्लीज सर बताइए ना। सच सुन पाओगे? सच सुनने की ताकत है। क्यों सर? क्या है ना, सच कभी कभी कड़वा होता है। मैंने कुछ बता दिया और तुम्हें गुस्सा आया और मुझे कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं सर, ज्योतिष लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। फ्यूचर तो साइंटिस्ट भी नहीं देख सकते, सिर्फ ज्योतिष देख सकते हैं। हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सर प्लीज बताइए ना मेरा भविष्य, बताइए ना। अरे बोला ना नहीं बता सकता। क्यों सर? तुम्हारा भविष्य बहुत भयानक है, भयंकर है, यह सबके सामने नहीं बता सकता। एक काम करते हैं सर, वहां चलते हैं, वहां पे कोई नहीं है, वहां मेरा भविष्य आराम से देख सकते हैं। अच्छा चलो। आइए आइए। बताइए सर ऐसा क्या देख लिया आपने? जेल, सलाखे, तुम जेल में पत्थर तोड़ रहे हो। क्या सर? साफ साफ दिख रहा है तुम दो नंबर का काम करके पैसे कमाते हो। दो नंबर का काम मतलब? तुम्हें दो नंबर का काम नहीं पता? जो गलत काम करते हैं, काला बाजारी करते हैं, उसे दो नंबर का काम कहते हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या नहीं, भाग्य विधाता ने तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही बता रहा हूँ। मैं ये भी बता सकता हूँ कि तुम दवाई से जुड़ा हुआ धंधा करते हो। नहीं नहीं सर, मैं तो रिसोर्ट में काम करता हूँ, दवाइयों से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। झूठ मत बोलो। पापा एकदम सही भविष्य देखते हैं, उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अरे लेकिन, अरे बेटा मेरी बात को समझो, तुम ये जो काम करते हो ना उसमें पैसे तो मिलेंगे लेकिन बद्दुआ इससे ज्यादा मिलेगी। मेरे मानो प्रायश्चित कर लो, जो भी सच है वो मुझे बता दो या पुलिस को बता दो, पहले सजा मिलेगी लेकिन बाद में बच जाओगे। और ईमानदारी की राह पर चलोगे
तो जीवन में एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कुछ अलग देख रहे हैं आप सर, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता, मैं ऐसा काम करता ही नहीं हूँ। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा सर, तो मैं अपनी माँ की कसम खा के बोलता हूँ, अपनी छोटी बहन की कसम खा के बोलता हूँ सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मुझे अगर गलत काम ही करना होता तो मैं ये वेटर का काम क्यों करता, लोगों की सेवा क्यों करता, लोगों के झूठे ग्लास और प्लेट्स क्यों उठाता। मुझे बेईमानी का काम नहीं करना है, मैं तो ईमानदारी की रोटी खाता हूं सर। और मैं तो क्या, मेरी पूरी फैमिली में ऐसा गलत काम कोई नहीं करता। अरे ये तो ईमानदार निकला। सर आपसे कोई गलती हुई है, मैं मर जाऊंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा, आप एक बार फिर से देखिए ना। शांत हो जाओ बेटा, मैं फिर से देखता हूं। आगे आओ। कुछ दिख नहीं रहा है। अब सर हल्की हल्की शिकन दिख रही है, थोड़ा ऐसे करो, ऐसे थोड़ा और, थोड़ा और, इससे ज्यादा नहीं होगा सर, ऐसे ही रहो। दिख गई भाग्य रेखा, ए चली गई। उठ जाओ बेटा, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। सच? हाँ, इसी ईमानदारी के साथ काम करते रहो, एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत तरक्की करोगे। मुझसे लिख के ले लो, इसी ईमानदारी की वजह से तुम्हारा अपना खुद का इतना बड़ा रिसोर्ट होएगा 2034 में। और तुम मेहनत करने वालों के लिए एक मिसाल बनोगे। पता है सर, मेरा यही सपना है कि मैं एक बहुत बड़ा होटल खोलूं, और मैं इसी के लिए मेहनत कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं उसके लिए गलत काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, मेरा भविष्य देखने के लिए शुक्रिया। आपकी दक्षिणा सर? नहीं नहीं पापा, ये काम के लिए दक्षिणा नहीं लेते हैं। ओके थैंक यू सर, अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, मैं काम में भी चोरी नहीं करता। जाओ जाओ बेटा जाओ, जीते रहो। ये तो ईमानदार निकला। आपका ज्योतिष वाला आइडिया काम कर गया, हमें पता चल गया कि ये कालाबाजारी करने वालों के साथ मिला हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि वो मैनेजर या दीप्ति, इन दोनों में से ही एक है जो उन लोगों के साथ मिला हुआ है। देखते हैं चाचा जी क्या पता लगाते हैं। बागा देखी वो दीप्ति कहीं दिखी? नहीं बापूजी। वैसे तो हर 10 मिनट के बाद मिलती रहती है। मेरे लायक कोई सेवा, मेरे लायक कोई सेवा। अब जब हम उसे ढूंढ रहे हैं तो कहीं दिखी नहीं रही है। बापूजी आप बिल्कुल फिकर मत कीजिए, वैसे भी वो इस रिसोर्ट में घूमती ही रहती है, कभी ना कभी तो दिखेगी ना। और जैसे ही दिखेगी हम अपना प्लान शुरू कर देंगे। मित्रों, तीन चीजें कभी नहीं बदलती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य अटल होता है। दीप्ति की असलियत जानने के लिए बापूजी और बागा निकल पड़े, लेकिन बात समझना जरूरी है। जो लोग भोले होते हैं वो हर बात खुलकर कह देते हैं, लेकिन जो दिल के काले होते हैं उनके मन की बात निकालना बहुत मुश्किल होता है। और दीप्ति के हसीन चेहरे के पीछे कई राज छिपे हैं। देखना यह है कि दीप्ति का राज हमारे चंपक चाचा और बागा खोल पाते हैं कि नहीं। अगर दीप्ति का असली चेहरा सामने आ गया तो मिशन काला कौवा सफल हो जाएगा। दूसरी ओर ये भी देखना है कि जेठालाल मैनेजर से मिलकर क्या खबर लाते हैं। किसी का कुछ कह नहीं सकते, हमें जिस पर शक हो उसके बजाय कोई दूसरा ही काला बाजारी का साथी निकले तो। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी रोमांच और ठहाके बढ़ते जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.